सिर्फ 30,000, आपको सिर्फ 30,000 में आपको एक टाटा एस मिल जा रही है। वेलकम गाइस, कैसे आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टाटा एस एवं ओला उबेर की जो गाड़ी होती है उसको दिखाऊंगा कि आप कहाँ पे कितने चीपेस्ट रेट में आप अपने टाटा एस या फिर ओला उबेर में चलाने वाले कार को ले सकते हो। तो आज की यह वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है माल इलावती इंटरप्राइज से मिस्टर अशोक जी। अशोक जी हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बहुत दिन बाद आए हैं आपके पास। तो कलेक्शन आज क्या क्या मिलेगा हमें? टाटा एसी एक्सेल है। हाँ हाँ, टाटा एसी एक्सेल। अच्छा, और क्या क्या? 17 का। अच्छा, और क्या क्या मिलेगा? और जेस्ट मिलेगा। हाँ। जैसे बहुत लोग का डिमांड रहता है कि ओला उबेर में चलाने के लिए एक कुछ ऐसा गाड़ी मिल जाए जो कम दाम में, जिसको कुछ कम दाम में इंडिको मिलेगा, इंडिका मिलेगा। सबसे कम दाम में गाड़ी कौन सा होगा? 50 इंडिका। सिर्फ 50,000 में? थोड़ा पेपर फेल रहेगा, लेकिन थोड़ा कुछ पेपर फेल हो गया ओला उबेर के लिए। ओला उबेर। और टाटा एस टाइप्स में कौन सा कम दाम? टाटा एसी में कम से कम तो 1.5 लाख। आप एक जीप बोल रहे थे, जीप तो 40,000। 40 टाटा एसी जीप, तो मतलब 40-35,000 के आसपास में आप 40,000। चलिए आज पहले सबसे पहले ये गाड़ी देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टाटा एस एक्सेल कौन सा? टाटा एसी एक्सेल है। अच्छा। 2017 का। 2017 का है। 2017 का है। कितना चला हुआ? वो 35,000। 35,000 चला हुआ है। तो कंडीशन कैसा है गाड़ी? गुड कंडीशन। गुड कंडीशन है। इसमें डाला बॉडी किया हुआ है क्या? फुल डाला। हाँ, कुछ ज़्यादा ही। ये इंश्योरेंस भी कंप्लीट है, दिसंबर तक इंश्योरेंस कंप्लीट है, दिसंबर 2020 का। हाँ। और यहाँ पे दिख रहा है जो बॉडी जो है और लंबा किया गया है क्या? नहीं, ये एक्स्ट्रा बॉडी किया हुआ, एक्स्ट्रा बॉडी। हाँ, कंपनी जो देता है हाफ बॉर्डर। अच्छा, बॉडी के ऊपर में एक्स्ट्रा किया जाता, एक्स्ट्रा किया जाता है। वो है 2017 का है, चला था कितना? 35,000। 35,000 चला हुआ। तो इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस 2,70,000। 2,70,000। 2,70,000 में आपको ये टाटा इसका एक्सेल मिलेगा। अब इसके बगल में एक और हमारे पास टाटा सेम है, सेम गाड़ी दिख रहा है मेरे। ये 45,000 किलोमीटर। ये 45, 2017 का मॉडल ये भी है। अच्छा, और इसका इंश्योरेंस नहीं है? इंश्योरेंस नहीं है। और टैक्स सी एफ जो 2 साल का देते हैं वो रहे, 2 साल का सी एफ देंगे, 1 साल का टैक्स देंगे। हाँ हाँ, बस। और क्या? और इंश्योरेंस खुद कराना पड़ेगा, फर्स्ट ओनर है। हाँ, ये फर्स्ट ओनर जो लेगा वो सेकेंड ओनर। सेकेंड ओनर, ये भी वही है, फर्स्ट ओनर। अच्छा, 2,40,000। 2,40,000, 30,000 कम पड़ेगा। 30,000, क्योंकि मैदनापुर का नंबर है ना। अच्छा अच्छा, उसमें थोड़ा दाम में भी कम होता है। कम होता है। अच्छा, इसी तो 2,40,000 में आपको ये देंगे। अब आ जाते हैं एक और टाटा एस हमारे पास, बट उसके पहले यहाँ पे है जेस्ट प्राइवेट, प्राइवेट नंबर है। हाँ, ये प्राइवेट नंबर है। अच्छा, तो सकते हैं ओला उबेर में? नहीं नहीं, ये येलो नंबर का, ये केवल, नहीं नहीं, ये केवल घर के लिए, घर के लिए है। प्राइवेट नंबर है। कब का होने वाला है? 2017 का ये भी है। किलोमीटर क्या चल जाएगा? 22,000। 22,000 ऐसे ही चल हुआ है, 17 का है। इसमें अंदर में क्या क्या फीचर्स मिल जाता है? अंदर में म्यूजिक सिस्टम में। अच्छा, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉक, यही सब फीचर्स मिलता है। प्राइस जानते क्या होने वाली? 2,70,000। 2,70,000 का। 2,70,000 ये प्राइवेट नंबर है। तो टैक्स अभी कब तक हुआ इसका? 22 तक। 22 तक टैक्स होगा, 22 सितंबर तक। सितंबर तक है। तो आप ये भी एक अच्छी प्राइस में आप दे रहे हो। अब आ जाते हैं एक और गाड़ी है यहाँ पे, ये भी टाटा की लग रही है। ये जेस्ट, टाटा की जेस्ट। जी अच्छा, तो ये 2017 का है। ये कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल में है 2017 का। तो इसका क्या होने वाला है? किलोमीटर के क्या चल गया? ये किलोमीटर 40,000 किलोमीटर चल, 40,000 चला हुआ। अच्छा, ये भी अच्छी कंडीशन में है गाड़ी, गुड कंडीशन, गुड कंडीशन। प्राइस का क्या हो जाएगा? 2,30,000। 2,30,000। 2,30,000 में आपको ये मिल जाएगी टाटा का जेस्ट। इंश्योरेंस खुद कराना पड़ेगा। अच्छा, हम उसमें करेंगे आपको। हाँ। 2 साल का चेप देंगे, अप टू डेट टैक्स देंगे, परमिट देंगे, ब्लू बुक देंगे, एवरीथिंग पूरा। अच्छा, तो जैसे ये जो सेकंड इंश्योरेंस खुद का बनाना, खुद का बनाना, जो सेकंड हैंड जो कार होता है या जो छोटा हाथी या फिर ओला उबेर के रहता है, तो लेना सही रहता है? क्यों कोई लेता है ऐसा कहाँ जाए? ओला उबेर के लिए तो ये लॉन्ग में चलता है। हाँ हाँ, डिजायर का इसका इंजन और डिजायर का इंजन सेम इंजन, क्वार्टर जी इंजन। हाँ हाँ,
तो डिजायर का थोड़ा दाम बेसी है, इसका दाम कम है, इसीलिए अभी पॉपुलेशन में हुआ नहीं है, पता नहीं चल रहा आदमी को ये क्वार्टर जी इंजन है नहीं, ये टाटा का इंजन है, प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह। लेकिन डिजायर का जो इंजन है इसमें सेम इंजन क्वार्टर जेट इंजन, तो इसलिए क्या होता है लेने में बेनिफिट से ही होता है कि मतलब वो डिजायर होगा कम से कम 3.5-4 लाख रुपए, 4 लाख 17 का गाड़ी है, ये आपको 230 में मिल जाएगा, 230 में मतलब सीधा अगर कहा जाए तो आधा से थोड़ा सा कम में आपको मिल जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी प्राइस है। 2 लाख कितना कहा आपने, 230,000 में आपको 2017 की एक गाड़ी मिल जाती है। अब चलते हैं बाहर में भी कुछ गाड़ी उसको देखते हैं। तो एक टाटा जेस्ट के बाद अब ये भी एक टाटा में आ गया, ये भी जेस्ट है क्या? हाँ ये भी जेस्ट, ये भी 2017 का, ये 2017 का है। तो ये कितना चला होगा? ये 62,000 किलोमीटर 62,000 चला हुआ है। तो ये कंडीशन कैसा है इसका? गुड कंडीशन, पावर स्टीयरिंग, सेंटर लॉक, अच्छा एसी, तो म्यूजिक सिस्टम सभी कुछ, सब कुछ है अंदर में। तो ये जो है फर्स्ट ओनर गाड़ी है, तो इसका क्या प्राइस होने वाला? ये 2,30,000 का, 2,00,000 17 का जो भी गाड़ी है मेरे पास 2,30,000 है, 2,30,000 में इंश्योरेंस खुद का बनाना पड़ेगा, बाद बाकी जो 2 साल का टैक्स, 2 साल का CF और अप टू डेट टैक्स, अच्छा ये कंप्लीट कर, ये कंप्लीट परमिट वगैरह सब कुछ, अच्छा तो NOC बैंक का NOC जो क्लियरेंस होता है। हाँ तो ये कोई अदर स्टेट में ले जा सकता है क्या? हाँ ले जा सकते हैं। अच्छा NOC वगैरह आप दे दोगे? हाँ वो दे। अच्छा तो अब आ जाते हैं इसके बगल में एक और गाड़ी है टाटा एस मेगा, तो ये कब की होने वाली है? ये 2016 का, ये 2016 का है, अलीपुर का नंबर है। हाँ हाँ तो अलीपुर का नंबर है। अच्छा 1,60,000 इसका, 1,60,000 दाम है। तो इसका पेपर अप टू डेट का चला कितना होगा? ये 32,000 किलोमीटर चला, 32,000 तो 32,000 चला हुआ, 1,60,000 उसमें 2 साल का शेप अप टू डेट टैक्स, अच्छा 1 साल का टैक्स देंगे और इंश्योरेंस भी इसमें रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा, 2 साल का CF, हाँ 2 साल का CF मिलेगा। तो ये रही हमारी जग स्टेपनी व्हील लंच वगैरह वगैरह सब कुछ मिले, मतलब इसका ऑल पेपर ही कंप्लीट है, ऑल पेपर कंप्लीट, कोई पेपर बनाना नहीं पड़ा। अच्छा और 2 साल तक CF नहीं करना होगा, 1 साल तक टैक्स इंश्योरेंस का कोई लफड़ा नहीं, लफड़ा नहीं, पूरा ही पेपर, पूरा पेपर। तो ये आप दे रहे हो अच्छे प्राइस में। तो ये हमारा ये आखिरी कार, सॉरी ये टाटा हमारा एस होगा जीप, तो कौन सा आने वाला ये जीप? हाँ 2016 गाड़ी है, 2016 का है। कितना चला होगा ये? 30-32,000 किलोमीटर चला हुआ है। कंडीशन कैसा है? कंडीशन मोटा मोटी है, रनिंग गाड़ी है, रनिंग गाड़ी है। ये ईटा उटा सीमेंट वाली, हाँ अभी जब इसमें चला सकते हैं, चला लोकल सकते में चला, लोकल में चला सकते। RC बुक और NOC बैंक का NOC जो क्लियरेंस लेटर है वो हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ गाड़ी रनिंग है, ओनली 30,000, सिर्फ 30,000 आपको, सिर्फ 30,000 में आपको एक टाटा एस मिल जा रही है, कुछ भी आप कहीं भी चला सकते हो। तो सुख जी और जो कोई गाड़ी है, सब गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में दिख रही थी, तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू आपको फिर से एक बार अच्छे अच्छे कलेक्शन को दिखाने के लिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये गाड़ी या फिर कोई भी गाड़ी को लेने के लिए नंबर और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस एक बार बता दीजिए कैसे? मोड़ीग्राम स्टेशन है, टिकट काउंटर के बगल में, बगल में है ये, कुछ 2 मिनट का रास्ता है। हावड़ा आना है, हावड़ा से लोकल ट्रेन मिलेगा, 5 रुपया टिकट है। हाँ उसके बाद मोड़ीग्राम स्टेशन टिकट काउंटर के पास में ही एकदम, किसी से पूछने से बता दे। तो गाइज यहाँ पे माल लीलावती इंटरप्राइज में आपको 2 बाइक्स भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस बाइक के बारे में, ये कौन सा होने वाला है सुख जी बाइक? ये ग्लैमर है। ग्लैमर कब का मॉडल है ये? ये 2018 2018 का है। हाँ कितना चला हुआ है गाड़ी ये? 35,000। तो प्राइस क्या रखे हैं आपने? 45,000 सिर्फ 45,000 पेपर वगैरह सब ओके है? ओके मेरा नाम है। अच्छा आपका नाम पे गाड़ी? खुद का नाम है। अच्छा 45,000। अब इसके बगल में ये V15 है। ये कब का होने वाला है? 2017 मॉडल है। अच्छा ये कितना चला हुआ है? ये 22,000 किलोमीटर चला। 22,000 22,000। अच्छा तो इसका क्या रखा है अपने प्राइस? ये 32,000 देने से हो जाए। 32 32,000 ये भी आपके नाम पे गाड़ी है? नहीं ये मेरा। अच्छा।